हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाना सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने आलू को काट लिया है, इसे अच्छे से धो लिया है। हमने सोयाबीन ली है एक कटोरी, हमने मिर्च ले ली है 4 से 5, हमने अदरक का पेस्ट किया है, ये हमारा लहसुन है, ये हमने प्याज काट लिया है। सबसे पहले हम सोयाबीन को फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। सबसे पहले हम तेल डालेंगे। तेल को 2 मिनट गर्म होने दें। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम सोयाबीन डालेंगे इसमें। इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए सोयाबीन हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है, अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। अब हम सोयाबीन की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। हमने ये तेल डाल दिया, 5 मिनट गर्म होने दें। अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले हम 2 तेज पत्ते डालेंगे। हमने 1 तेज पत्ते डाल दिए। थोड़ी सी मेथी डाल दें। अदरक का पेस्ट। अब हम लहसुन डाल देंगे। हमने लहसुन डाल दिया। लहसुन को 2 मिनट ब्राउन कर लें। देखिए हमारा लहसुन ब्राउन हो गया है। अब हम प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को 5 मिनट भून लें। देखिए हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। इसे भी 2 मिनट भून लें। देखिए हमारी मिर्च अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम सोयाबीन भी डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए हमने सोयाबीन अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डाल दें, 1 चम्मच देगी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक भी डाल दें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम टमाटर डालेंगे इसमें। टमाटर को 5 मिनट पका लें अच्छे से। ये देखिए हमारा टमाटर अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब 20 से 25 मिनट इसे पका लें ढककर। ये देखिए हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारी आलू सोयाबीन की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल की घंटी जरूर दबाएं। एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही इजी है बनाना।